नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप बहुत ही बढ़िया से होंगे। दोस्तों, अगर आपके बाल बहुत जल्दी झड़ जाते हैं, अगर आपको किसी भी तरह का चर्म रोग है और उसमें मावाद बहुत बनता है, फोड़े फुंसी की आपको समस्या होती रहती है और बहुत ज़्यादा पस फॉर्मेशन होता है, अगर आपके शरीर में पस फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, इन्फेक्शन हो जाता है, या अगर आप जो खाते हैं वो अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होता, आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस लगती है मानसिक तौर पे और शारीरिक तौर पे, तो एक होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव दवा है। बहुत ही अलग अलग तरह के चर्म रोग को ये ठीक करती है, साथ ही साथ ये काफ़ी अच्छी दवा है मानसिक लक्षणों को भी ठीक करने के लिए, शारीरिक लक्षणों को भी ठीक करने के लिए, और उस दवा का नाम है साइलीशिया। तो आज हम होम्योपैथिक मेडिसिन और ये पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन है, मतलब बहुत सारी बीमारियों को ये ठीक करती है, तो आज हम साइलीशिया के बारे में जानेंगे कि इसके इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स, मुख्य सिम्टम्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से लक्षण देखकर आप ये दवा ज़रूर यूज़ करें, और किस बीमारी में आप ये मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं और किस पोटेंसी में आपको ये मेडिसिन मोस्टली यूज़ करनी चाहिए। तो चलिए आज हम बायोकेमिक होम्योपैथिक मेडिसिन साइलीशिया के बारे में जानते हैं। मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू कर। दोस्तों, शुरू करने से पहले आप सबसे ये गुजारिश है कि प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर से दबाएं। मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ। मेरा ईमेल आईडी kirtivikramsinghparihar@gmail.com है, वहां पर जाके आप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको आंसर देने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा मैं किसी को भी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट नहीं देता हूं, कोई भी ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन सिस्टम नहीं है। तो मैसेज सेक्शन में अगर कोई फेक अकाउंट से आपको मैसेज करे कि इस नंबर पे दवा मिल जाएगी, इस नंबर पे आपको मेडिसिन मिल जाएगी, या इस नंबर पे आपको कंसल्टेंसी मिल जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो मोस्टली साइलीशिया एक बायोकेमिक साल्ट है और सुचलर 12 साल्ट में से एक साल्ट है। तो मोस्टली अगर आपके शरीर में इस तत्व की कमी हो जाती है और या अधिकता भी हो जाती है, तो आपको बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इसके प्रमुख सिम्टम्स आप अच्छे से सुनिए और समझिए। तो मोस्टली क्या होता है दोस्तों, जैसे हम बचपन से शुरुआत करते हैं, तो अगर कोई बच्चा है उसे किसी न्यूट्रिशन की कमी है, जैसे कि रैकेट्स की अगर किसी को प्रॉब्लम, बच्चों को प्रॉब्लम पहले होती थी, आजकल तो बहुत अनकॉमन है, लेकिन रैकेट्स की कंडीशन में ये मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव दवा है। तो बच्चे का हेड जो है वो बड़ा रहता है और पेट भी थोड़ा बड़ा रहता है। एक्चुअली में अगर आपने माल न्यूट्रिशन वाले बच्चों को देखा हो, जिनकी न्यूट्रिशन की कमी रहती है, खाने पीने में कमी रहती है, या जिनका डाइजेशन सिस्टम सही नहीं रहता, तो बच्चों का पेट बढ़ जाता है, बच्चे बहुत पतले रहते हैं, जिसके कारण उनका सर जो है वो बड़ा दिखता है। इस तरह के बच्चों के लिए साइलीशिया बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। तो ऐसे बच्चे जब जिनका न्यूट्रिशन जो है वो कम है और जिन्हें खाना अच्छे से नहीं मिला है या खाना अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, और वो जब बड़े होते हैं धीरे 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 धीरे, तो उनकी जो कमज़ोरी है, एक तो मानसिक कमज़ोर भी, मानसिक तौर पर भी कमज़ोर हो जाते हैं और शारीरिक तौर पर भी कमज़ोर हो जाते हैं। तो जब वो बच्चे बड़े होते हैं तो वो मानसिक तौर पे कमज़ोर रहते हैं, शारीरिक तौर पे कमज़ोर रहते हैं, और बहुत जल्दी वो थक जाते हैं। कोई भी काम करते हैं तो वो बहुत जल्दी थक जाते हैं, और ऐसे बच्चे, उनका डाइजेशन सिस्टम सही नहीं रहता, उन्हें स्किन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, और ख़ासकर ऐसे बच्चों को मोस्टली इन्फेक्शन बहुत जल्दी लगता है, उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर रहती है, फोड़े फुंसियों की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है। पस फॉर्मेशन के लिए साइलीशिया बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन। अगर आपको फोड़े फुंसी होते हैं, किसी भी तरह का पस फॉर्मेशन है, उसे ड्रेन करना है, उसे निकालना है, तो साइलीशिया बहुत ही इफेक्टिव दवा है। इसीलिए हम इसे होम्योपैथिक सर्जन नाइफ भी बोलते हैं, कि आप साइलीशिया देते हैं तो कहीं पर फोड़ा है, साइलीशिया आपने दिया तो वो फोड़ा अपने आप पक के जो है वो फट जाता है और पस निकल जाता है। तो साइलीशिया बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है फोड़े फुंसी की कंडीशन के लिए, स्किन डिसीज के लिए, किसी भी तरह के चर्म रोग के लिए। अगर आपके
स्किन में, अगर मान लीजिए बचपन से आपको न्यूट्रिशन की कमी है, तो आगे चल के जो स्किन है आपकी वो उतनी खूबसूरत नहीं दिखती है, उतना चमक उस स्किन में नहीं दिखता है। तो इसको लेने से आपके स्किन में चमक आती है और आपकी स्किन हेल्दी दिखती है। तो मोस्टली अलग अलग तरह की स्किन डिसीजेज में इसका उपयोग किया जाता है। और आपने बायोकेमिक कॉम्बिनेशन नंबर 20 का अगर नाम सुना हो, ये स्किन का कॉम्बिनेशन है। बहुत सारी जो स्किन डिसीजेज हैं, चर्म रोग है, उसमें ये कॉम्बिनेशन उसका उपयोग किया जाता है। उसमें भी साइलिशिया का उपयोग होता है, उस कॉम्बिनेशन में साइलिशिया मेडिसिन मिली हुई है। तो साइलिशिया अलग अलग तरह के स्किन डिसीजेज के लिए बहुत ही इफेक्टिव दवा है। और साइलिशिया अगर आपके स्किन में मान लीजिए कट गया है, छिल गया है और स्कार बन गया है, कभी कभी वो स्कार बहुत बड़ा हो जाता है और किलोइड फॉर्म में आ जाता है, और साइलिशिया किलोइड को ठीक करती है, स्कार को ठीक करती है। तो आपके शरीर में अगर कहीं दाग और धब्बे हैं स्किन में, आपके चमड़ी में, आपके त्वचा में अगर कहीं दाग और धब्बे हैं, तो उसे ठीक करने के लिए साइलिशिया बेस्ट मेडिसिन है। इसलिए ओपन पोर्स के लिए भी अच्छी मेडिसिन है। दोस्तों पहले आपने सुना होगा कि हमें वैक्सीनेशन होता था, आजकल तो वैक्सीनेशन के ज्यादा बैड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन पहले बच्चों को जब वैक्सीनेशन होता था तो पूरा फूल जाता था, और जहां पर वैक्सीनेशन होता था तो वो बैड इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन को भी ठीक करने के लिए साइलिशिया बहुत ही इफेक्टिव दवा है। खासकर स्किन में किसी तरह का पस फॉर्मेशन हो वैक्सीनेशन के बाद, जहां पर आपको वैक्सीन लगी है बच्चे को और पस फॉर्मेशन हो रहा है, तो उस पस फॉर्मेशन को, उस मावाद जहां पर बन गया, फोड़ा बन गया है, सूज गया है, उसे ठीक करने के लिए साइलिशिया बहुत ही इफेक्टिव दवा है। दोस्तों साइलिशिया का पेशेंट बिल्कुल ठंडी बर्दाश्त नहीं करता है, मतलब थोड़ी सी भी ठंडी लगती है उसे समस्या होने लगती है, उसे सर्दी होने लगती है, नाक बहने लगती है, छींके आने लगती हैं, वो तुरंत कुछ ना कुछ पहन लेता है, पैर तक बिल्कुल मुझे वजह सब कुछ पहन लेता है। एसी में जाने में, अगर आपको एसी, आजकल एसी नॉर्मली यूज होता है, एयर कंडीशनर नॉर्मल हर घर में आजकल यूज हो रहा है, तो एसी में जाने में, एसी में सोने में अगर आपको समस्या होती है, तो साइलिशिया आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव दवा है। साइलिशिया के पेशेंट को बिल्कुल भी अल्कोहल पसंद नहीं होता, तो इवन अगर उसके घर में कोई अल्कोहल पी के आ गया है तो वो बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है। दोस्तों मोस्टली आपको याद ये रखना है कि साइलिशिया इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। खासकर अगर पस फॉर्मेशन हुआ है तो ये दवा बहुत ही अच्छी है। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, अगर किसी को स्टाय है और बिलोनी है, और बिलोनी से येलो कलर का पस फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसे बहुत जल्दी ठीक करने के लिए ये दवा बहुत ही अच्छी है। किसी को फोड़े फुंसी हैं, उसे पूरी तरीके से वो पस को ड्रेन करने के लिए, बाहर निकालने के लिए और फोड़े को जल्दी ठीक करने के लिए ये दवा बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। किसी तरह का स्किन डिसीज है तो ये मेडिसिन बहुत ही अच्छी है। और हाँ, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ब्रिटल हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं, और कमज़ोर क्यों हुए हैं, क्योंकि बचपन से आपका जो न्यूट्रिशन है वो अच्छे से आपको मिला नहीं है, एब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी में हुआ नहीं है, जिसके कारण आपके बाल बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, तो साइलिशिया बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। साइलिशिया का उपयोग आप किसी भी तरह के इन्फेक्शनल डिसीजेज में कर सकते हैं। हाँ, आपको ये याद रखना है कि अगर किसी को टीबी हुआ है तो उसको साइलिशिया नहीं देना है, या टीबी होने के बाद वो ठीक हुआ है और मेडिसिन से, तो उसको साइलिशिया बिल्कुल नहीं देना है। या किसी को अगर किसी तरह का इम्प्लांट लगा है तो उसे भी आपको साइलिशिया नहीं देना है। जैसे किसी को अगर मान लीजिए किसी हड्डी टूटी और बीच में कोई एक रॉड लगी हुई है अंदर, तो आपको साइलिशिया नहीं देना है। हार्ट का पेशेंट है, स्टंट लगा हुआ है, तो आपको साइलिशिया नहीं देना है। बस आपको इस चीज़ों का ध्यान रखना है। और साइलिशिया बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है इरप्शंस के लिए, स्किन डिसीजेस के लिए। और आपका डाइजेशन सही नहीं है, मेंटली फिजिकली आप बहुत ज़्यादा वीक हो रहे हैं और अलग अलग तरह की स्किन डिसीज हो रही है, तो साइलिशिया बहुत ही इफेक्टिव दवा है, इसका उपयोग ज़रूर आप कीजिए। साइलिशिया मोस्टली आप 30 CH पोटेंसी में यूज़ करें, दो बूंद पिए,
दिन में एक बार। ये बहुत डीप एक्टिंग मेडिसिन है और हाँ ये बहुत जल्दी असर भी करती है, तो इसे आप डेली ना लेके एक एक दिन छोड़ के लीजिए या दो दो दिन छोड़ के लीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सैलिशिया ठेटी दो बूंद पीछे दो दो दिन छोड़ के लीजिए, आपके स्किन डिसीजेस के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। और अगर सिम्टम्स मिलते हैं और इसका कॉन्स्टिट्यूशन मिलता है तो ये दवा आपके लिए बहुत मेडिसिन इफेक्टिव है और रामबाण है, मतलब तुरंत असर करेगी और जल्दी असर करेगी। इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, ये भी मेन फंक्शन ही बोल सकते हैं कि ये असर बहुत जल्दी करती है, तो इसे आप जब सिम्टम्स मिले तो यूज़ करें। ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक या दो बार में इसका असर आपको देखने को मिलेगा, 10-12 दिन लेंगे और सिम्टम्स मिलते हैं तो आप ठीक हो जाएंगे। ये साइलिशिया मेडिसिन आप विलियम बोरिक मटेरिया मेडिका में एलन स्कीनोट में पढ़ सकते हैं, आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। होम्योपैथी की मटेरिया मेडिका है और आपको होम्योपैथिक मेडिसिन में अगर इंटरेस्ट है तभी तो वीडियो देख रहे हैं, तो आप ज़रूर पढ़िएगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये छोटा सा वीडियो, हालांकि छोटा तो नहीं है लेकिन जैसा भी वीडियो है, अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक करिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, अच्छा बहुत अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आपने साइलिशिया लिया है, किस सिम्टम्स में लिया है, कैसे आपको रिजल्ट्स मिले हैं, ज़रूर आप मैसेज सेक्शन में मैसेज करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय।